मॉर्निंग एवरीवन, पौने 7 बज गए हैं और यहाँ पे कियान और चिराग दोनों खेलने के लिए बैठ गए हैं। आज कियान को वैसे मूड अच्छा है तो दोनों बालकनी में बैठे हैं खेलने के लिए। गुड मॉर्निंग चिराग, कितने सारे टॉयज लेके बैठे कियान। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, जय स्वामी नारायण। टॉयज माध्यम से तो बच्चों का उसी में तो ध्यान होगा और किस में ध्यान होगा। कियान करो छे, जय स्वामी नारायण करो। जी जी करते है ना, वही दिख रहा। कल वैसे कियान के लिए बहुत कमेंट आई कि कियान वैसे इंटेलिजेंट बॉय बन गया है। कियान सभी एनिमल को मतलब पहचानता है। वैसे अभी के सारे बच्चे इंटेलिजेंट ही हो गए। हाँ, सब बच्चे अभी इतने तो समझदार, हमसे ज्यादा समझदार बच्चे होते हैं कि वो इनकी उम्र है, हमको कुछ नहीं पता था होता था। वही तो बात है। अब के ऐसा नहीं किया है, सब भी बच्चे ऐसे हैं कि उनको मतलब अभी क्या टीवी देखना हो गया ना, इसलिए टीवी से टीवी सब सही में बहुत सिखाता है, बिगड़ता भी है पर सिखाता भी है। वो तो हमारे ऊपर है कि कितना दिखाए कि तो क्या दिखाए। हाँ बेटा, सु કેમ રડું છે બતાય, શું થયું? હે, રડે છે તું? ચૂપ થઈ જા, ચૂપ થઈ જા, ચૂપ થઈ જા। તો વેધર બહુત હી અચ્છા હૈ આજ કા, અભી સન દિખા ભી નહીં હૈ, બહાર આ રહા હૈ ધીરે ધીરે, ટ્રાય કર રહા હૈ પર બાદલો કે બીચ મે વો છુપ જા રહા હૈ, તો અભી દિખ રહા હૈ કી બાદલ હૈ છાયે હુએ। तो देखते हैं आज बारिश आ रही है, आती है कि नहीं, क्योंकि बारिश तो बहुत टाइम हो गया, आज रात बारिश नहीं आ रही। बीच में बना था मौसम, पर मुश्किल से 5 मिनट के लिए हल्की हल्की बूंद आई और खत्म हो गई। बहुत दिन हो गए, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया है बारिश आई। एक महीना तो हो ही गया ना, 15-20 दिन हो गए होंगे, 1 महीना नहीं होगा पूरा। कोई नहीं, चलो इधर आओ, ठीक आज बारिश आ जाए तो ठीक, कोई नहीं। नाश्ते में क्या बनाओ, चलो बोलो। मेरे को तो ममरा चलेगा, ममरा बना देती हूँ। मेरे को तो हल्का फुल्का ही खाना होता है। तुझे क्या खाना है कियान? खाना तसुन मांस खाऊ जी। क्या नेसु मुई कुछ है? एलिफेंट मुकी दे, चल अबे तू ले ले एलिफेंट ले। चल चल, मैं नाश्ता बना लेती हूँ, खेलो आप दोनों। ओके चल, तू नाश्ता वास्ता लेके आ जा, यहीं पे बैठ जाते बालकनी में। आज बहुत ठंडा है, बाहर से भी हमारा सामान ले लेते हैं पहले लोग खोल के। मैंने क्या क्या मंगवाया है वो भी दिखा ही देती हूँ। चलो, ये हमका रोज का है कि हम रात को मंगवाते हैं, सुबह आता है। काट दिया मैंने और सबसे पहले निकला है पिस्ता, है दूध और पनीर। तो आज मैं है ना आपके लिए कुछ नया बनाने वाली हूँ। चलो, जैसे जैसे दिन जाए वैसे दिखाती जाऊंगी। इतनी चीजों से ही बनेगा, जो बनेगा वो दूध पनीर पिस्ता, और कुछ चाहिए ही नहीं। अभी बना देते हैं ममरा। हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं वैसे इंस्टेंट वन, जैसे कि मैंने बताया कि दूध पनीर और क्या पिस्ता से मतलब चीनी तो चाहिए चाहिए, तो ये दो चीजों से हम बनाएंगे इंस्टेंट कलाकंद। और अभी तो राखी आ रही है, मतलब रक्षाबंधन आ रही है, तो आप घर पे ही स्वीट बना सकते हो और वो भी फटाफट, इसमें कोई भी देरी नहीं लगेगी। चलो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पहले ना दूध उबालने रखना है और वो उबलने में ही टाइम लगेगा, तो पहले दूध उबालने रखते हैं। मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध, जिसमें डालेंगे हम चीनी और इसको है ना अभी उबलने देंगे, पहले चीनी डाल देते हैं। मैंने अराउंड 3 चम्मच जितना चीनी डाला है और अभी इसको हम उबलने देंगे, ये आधा ना हो जाए तब तक इसको उबालेंगे। तो यहाँ पे दूध उबल रहा है और यहाँ पे साथ में मुरमुरे बनाए जा रहे हैं। क्यों रिंकल, दूध क्यों उबल रही है वैसे? ये भी इसमें नया तरीका चाय बनाने का, अभी बताया तो सही किसको? मैं तो बाहर था, तू अकेली कर रही थी कुछ, क्या कर रही थी? मैं बना रही हूँ कलाकंद। और कलाकंद क्या बात है, रात
राखी रक्षाबंधन स्पेशल। ओके वो तो अच्छी बात है। अभी क्या है कि बहने अभी अगर अपने हाथों से बना के मिठाई खिलाएगी तो और अच्छा लगेगा। और वैसे भी बाहर लेने को अभी क्या, कोई बाहर का खाता है कोई नहीं खाता है, और आप कोई फास्ट है किसी का तो भी ये खा सकते हो इसमें, और कुछ नहीं दे जाता है और फटाफट भी बन जाता है। फास्ट में खा सकते है लगन? अच्छा तो लाना पड़ेगा शनिवार को। क्या कलाकन? बाहर का पता नहीं है, बाहर तो शायद वो आटा डालते हैं। कौन सा ऐसा होता है? ओके चलो तो अभी इसमें क्या करना है? बस अभी उबल रहा है तब तक हम नाश्ता कर ले क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। है एकदम ही मतलब धीमी फ्लेम पे, हल्की फ्लेम पे उसको उबालेंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो हम पहले नाश्ता कर लेते हैं। ओके मैंने यहाँ पे घरा है मुर्मुरा दिया है पूरा मुर्मुरा एक नंबर वाला है। बाजू में रख देंगे वापस चाय। इसको कब तक उबालना है वैसे दूध को? याद हो जाए तब तक बोल तो रही हूँ। ओ बाप रे बाप, तो बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम इतना टाइम नहीं लगता, अगर मैं यहाँ पे पास में ही खड़ी रहूँ तो टाइम नहीं लगेगा, पर हम नाश्ता कर लेते हैं तब तक इसको है ना स्लो फ्लेम पे हम करेंगे तो हो जाएगा। वो ये उबल के बाहर नहीं आ जाएगा ना? नहीं आएगा, देखो कहाँ आ रहा है, ये तो फास्ट है ना गैस। देखो okay. अभी मैं पास में खड़ी हुई इसलिए फास्ट है। ठीक है चलो फिर है ना, मैं कियान के पास जाता हूँ। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर कैसा है? रिंकल कौन सा ग्रीन? हल्का सा पीला कलर है ये। ओके मतलब ये दूध अभी हो गया है जैसे गाढ़ा होता जाएगा ना तो इसका कलर चेंज होता जाएगा। ओके अब यहाँ पे रख दिए तुमने पिस्ते? यहाँ पे मैंने पिस्ता को कट करके रखा है और अभी इलायची का पाउडर भी बनाऊंगी। ओके मतलब इसमें इलायची बोल रहा हूँ, पिस्ता और इलायची का, इलायची और पिस्ता दो ही ड्राई फ्रूट जाएगा और कुछ ड्राई फ्रूट में कुछ भी नहीं है इसमें? नहीं और पनीर जाएगा। पनीर ओके तो अभी जायफल वायफल डालना है क्या? जायफल नहीं डलता इसमें। अच्छा होता है डाल सकते हो? बस कितनी दो दाने बहुत होते हैं इलायची के बहुत दो दाने बहुत होते है, स्ट्रॉन्ग होता है और हमारी क्वांटिटी कम है थोड़ी। आए 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 पनीर आएगा ना जीरा का भी? ओके ये आए ये आए क्या ये तो देखो जो मम्मा पाउडर बना रखे हैं ये पाउडर बना देने का और बच्चों को खिलाने का भी किए। देखो ये पनीर को यहाँ पे कद्दूकस करना है पर मुझे नहीं लग रहा है ये पूरा होगा, ये बहुत सॉफ्ट है तो इसको जमा देना है ना थोड़ा फ्रीज में रख के? नहीं नहीं इसको जमाना नहीं है, सॉफ्ट ही चाहिए हमें। ऐसा है तो ये इसमें यूज होगा 200 ग्राम पनीर। ये पूरा लादी? पूरा लादी मैंने वैसे बाहर का लिया है अमूल का, जैसे मैंने बाहर का लिया है अमूल का ये 200 ग्राम, आप घर पे भी बना सकते हो। घर पे अगर बनाना है तो क्या करें कि 1.5 लीटर का आप 1.5 लीटर दूध का पनीर बना दो और 1/2 लीटर इसमें डाल दो। तो यहाँ पे 1/2 लीटर मैंने उबाला है और 200 ग्राम पनीर डालूंगी। हो गया ये तो देखो ठीक बा। तो मैंने गैस बंद कर दिया था, आप चले गए थे ना? ओके तो देखो कितना दूध बच गया। ये दूध है पर मलाई भी है साथ साथ में, गाढ़ा होता जाएगा ना इसलिए। तो अभी इसमें है ना हम पनीर डाल देंगे, गैस लो रखेंगे, पनीर डाल के अभी इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे। प्रॉपर मिक्स होना चाहिए ना इसको तो। चीनी भी डाल दी रिंकल इसमें? पहले से ही डाल दी दूध में ही। ओके अब स्मेल आने लगी है थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे पकेगा ना तभी आएगी।
बाजू वाले ना बोल दे कौन से कंधे के वहां पे चले गए हम आज। ठीक है चल तो फटाफट निकाल ले, ये पकेगा फटाफट, नहीं निकालना है। अरे यार कितना टाइम है और? आपको क्या हो रहा है? मेरे को किया के पास जाना होता है ना बार बार। क्यों? वो मेरे बिना रहता नहीं है। अभी रह ही रहा है, अब भी आएगा देखना, अब भी आएगा देखना। वो तो देखो अभी पनीर में जो पानी है वो अभी चल रहा है, इसको हम मतलब फास्ट फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो पनीर का पानी निकला है वो सारा भी चल जाएगा और पनीर पक भी जाएगा। तो सारा पानी चल गया है, इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जितना घी और इलायची पाउडर जो हमने रेडी किया था वो, और पिस्ता ऊपर से डालेंगे। अभी ले लेंगे हम उसको। यहाँ पे मैंने लिया है केक का मोल्ड, आप किसी में भी डाल सकते हो वैसे तो। प्लेट में भी ले लो तो भी चलेगा, वैसे कोई इशू नहीं है इसमें तो। पर मुझे लग रहा है केक का मोल्ड आधा ही पड़ेगा, एक तो है ना थोड़ा मोटा रखना है। हमारी क्वांटिटी क्या है? कम है क्योंकि हम मीठा कम खाते हैं। कम नहीं, मैं तो खाता हूँ वैसे, रिंकल कम खाते हैं। तो खाती ही नहीं हूँ। उसको चाहिए मिर्चा, अभी मिर्चे जैसा कियान का वो आया है, क्या बोलते रिंकल? स्वभाव। स्वभाव बहुत तीखा है कियान का स्वभाव, है ना, गुस्सा बहुत करता है। मैंने मिर्ची खाई थी ना। ओके कमेंट आई थी इसलिए बोल रहा हूँ मैं ऐसा। सभी मतलब बच्चे क्या कुछ भी कर ले सब वाक माँ का ही होता है कि माँ ने ऐसा किया तो बच्चा ऐसा आया। अरे देखो मस्त हो गया है ना रिंगल। इसको भी है ना ठंडा होने देना है, इसके ऊपर हम डालेंगे पिस्ता। दबा देना था ना पिस्ता डाल के। तो इसको फ्रिज में भी रखना पड़ेगा ना? ना नहीं। ओके तो मेरा कलाकंद रेडी है। इसके ऊपर है ना हम डालेंगे केसर। बस बस बहुत है दो दाने भी, बहुत गर्म पड़ती है केसर। ये मौसम भी अभी ऐसा है कि गर्म ज्यादा पड़ेगा। कोई ना, देखो ये घी भी है, अभी वो सेट हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे हमारा आधा कलाकंद हुआ है रेडी। इसको है ना थोड़ा मोटा ही रखना चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाला है, तो इसी में ही आधा करके बना दिया है। तो कलाकंद है रेडी इंस्टेंट वाला, इसके ऊपर मैंने केसर और पिस्ता भी डाल दिया है। पे देखो ये हो गया है रेडी रिंगल, मस्त हो गया ना। देखो मैं ऐसे करते दिखा, जैसे मैंने केक नहीं पकड़ी थी, ये हाफ में पकड़ा है ना, इसलिए थोड़ा मतलब पतला कर देते, वो पूरे में कर देते तो भी हो जाता, पर बहुत पतला होता तो टेप ले नहीं पड़ती। टेप ले नहीं पड़ती, ये सही बात है। चलो टेप ला पड़ ले। हाँ बेटा जो मम्मा जो मम्मा जो मम्मा वहाँ पे जो 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 ऊँचे। तो ये मस्त हो गया है, टेप ली आ गई है बाहर। जो कानू मम्मा वहाँ पे में है तो जी देखो हमारा यम्मी वाला कलाकंद एकदम है रेडी। फटाफट आप खा सकते हो ऐसे ढेफली बना के, देखो कितनी बढ़िया ढेफली बनी है। ये है वैसे तो है ना सॉफ्टी होता है, तो ये है एकदम परफेक्ट हमारा कलाकंद। कियान अभी चला गया है डैडी के पास क्योंकि उसको है ना बाबा बाबा खखड़ रहा है, मेरा बच्चा खखड़ रहा है पूरा। हाँ ले जाओ ले जाओ छिड़क रहा है। 8 बजने को आए है और ये दोनों बाहर गए, तो ये सब कुछ फैला के गए है दोनों के दोनों। और किचन भी मेरा बहुत गंदा पड़ा हुआ है, ये रूम भी बहुत गंदा पड़ा हुआ है, तो ये सब कुछ होगा साफ फटाफट। तो सब कुछ साफ करके मैं मिलती हूँ, ये दोनों आए उससे पहले। सो जी बेटा, सो जी। काय ने दी जेने हूँ देखो। कुछ
चालू किया था काम 8:30 को, तो दोनों आ भी गए और मेरा काम भी निपट गया। चिरण क्या करे, पसीना निकल जाता है सुबह सुबह की आन की वजह। पसीना कहाँ, एक बेकार की मेहनत करवाता उससे पसीना पड़ता है मेरा। बाइक आप गेट पे छोड़ के आए? मैं पहले गया मौसम भी ली ना, फिर गाड़ी में बैठा ही नहीं, बोला जूस पीना, वहीं पे कैसे निकल गए दोस्तों। फिर वहां से उसको बाइक वहां पे पार्क करके चल चल के लेके आया, बीच में क्लब हाउस आता था, क्लब हाउस में घुस गया और वहां से उसको निकाला। तो फिर हम अब कहां, मैं मौसम भी लेके इसको लेके घूमूंगा सुबह सुबह इसको लेके, इसीलिए मैं ना वेजेस लेने भी नहीं जाती हूँ, बहुत परेशान करता है वहाँ पे वो मर्चा वर्चा के साथ खेलने लगता मैं है। वो लेती हूँ ना, आप समझ गए, पर नाम लूंगी ना तो ये कीड़ा। तो अभी भी बोल रहा था लेना है, पर मैंने मना किया। वो लेके आती हूँ ना तो वो रास्ते में ही खाता है, उसको वहाँ पे ही खाना नहीं था उससे, सेम तेरे जैसा है, खाना देख के वो रह नहीं पाएगा, दुकान पे बैठ के ही खा लेता है पहले। हॉर्स बता रहे मारो दिखरो छे ने ओश क्यों काऊ बोल तो काऊ गोट बोल तो क्यों गोट डोट डोट बच्चे ने ना नो 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 क्यों थैंक यू आ लियो जूसी सू कोई नहीं, चलो मैं दिखा देती हूँ कि मेरी घर की सफाई हो गई, किचन भी हो गया साफ, ये भी हो गया साफ और रूम भी हो गया साफ, तो ऑलमोस्ट मेरा घर हो गया क्लीन। अब क्या नहीं फैलाएगा शायद, अभी क्या होता है खबर चिराग, जब तक काम वाली आंटी आएगी ना तो पहले था वैसा का वैसा ही कर देगा, तो वापस मैं उठाऊंगी। जैसे ही पोछा यहाँ पे पोछा लग गया तुरंत ही बाद उसके पीछे सब फैला देता है। कल क्या सबने कमेंट किया था कि कियान को, किसी ने किया था मुझे याद नहीं है नाम, कि कियान को सिखाओ कि अपनी चीजें खुद रखना सीखे। अभी छोटा है उतना नहीं कर सकता, 2 साल का होगा ना तब सिखाएंगे, अभी बहुत देर है। चलो तो आज का वीडियो का एंड भी हम यहाँ पे ही करते हैं। कलाकंद की रेसिपी कैसी लगी वो भी आप कमेंट करना और घर पे जरूर ट्राई करना एक बार, और वीडियो का एंड भी कर देते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय, कल मिलेंगे। बाकी मुझे ये सब कलर के बिंदी पसंद नहीं है, पर आज मैंने ट्राई किया है, मुझे सिर्फ मरून कलर की बिंदी ही पसंद है और वो ही मैं लगाती हूँ। ट्राई करूँगी, मतलब ये मैचिंग वाली बिंदी मुझे पसंद नहीं है, आज लगाई है तो रहने देती हूँ, पर मेन बिंदी जो होती है वो मरून ही लगाई जाती है, वैसे ऐसा शास्त्रों में शायद लिखा है, मुझे पता नहीं है, पर मेरी बुआ ने एक बार मुझे बताया था, तो आज लगाया वो लगाया, अब से मैं वैसे मरून बिंदी ही लगाऊंगी। और ये मुझ पे सूट भी नहीं होती है, सूट होती है कि नहीं वो भी कमेंट करना, पर मैं वैसे लगाऊंगी तो नहीं। और आप लोगों ने बहुत बोला कि बिंदी को कुछ भी पहनो, टी शर्ट पहनो, कुर्ती पहनो, बिंदी लगाना, तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी कि मैं बिंदी में ही रहूं।